नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन में हुई अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि परिसीमन ड्राफ्ट के सामने आने के बाद यह प्रतीत होता है कि दिल्ली में निगम वार्डों के परिसीमन करने में भाजपा ने अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग का भरपूर प्रयोग किया है और परिसीमन चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि भाजपा के कार्यालय में बनाया गया है। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष चौ अनिल कुमार ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा लगातार निगम चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में भाजपा की चिंता इससे प्रतीत होती है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने भाजपा के प्रभाव में परिसीमन करके 272 वार्डों को कम करके 250 कर दिया है। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है और वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसका स्थिति की राजनीति से और चुनाव से व्यापक संबंध है, परिसीमन को लेकर नगर निगम वार्डों का जो परिसीमन है जिसके लिए चुनाव आयोग ने लिखा है उसे एक ड्राफ्ट प्रारूप सार्वजनिक किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत विस्तार से और गंभीर रूप से चर्चा करके लगातार बातचीत तमाम अपने हर स्तर के नेताओं से की जा रही है। उसकी समिति की दो बार बैठक हो चुकी है। आज इसमें जिला अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक थी। आज दोपहर के बाद भी दूसरे ओर हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता साथी है उनकी बैठक भी होने वाली है। जो बातें परिसीमन से जुड़ी हुई हम लोगों के निष्कर्ष में निर्णय में चर्चा के बाद जो बंधन हुआ है उसके सामने आई है, उसके बारे में पहली प्रतिक्रिया के लिए आज इस प्रेस वार्ता बुलाई गई है जिसमें प्रतिक्रिया देने में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी विचार रखेंगे। इससे पहले मैं दो चार कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। तो ये है कि परिसीमन तो दिल्ली में नगर निगम वार्डों का भी विधानसभा वार्डों का विधानसभा क्षेत्रों का भी कई बार हुआ, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आयोग ने एक विशेष राजनीतिक दबाव के चलते हुए नगर निगम वार्डों के परिसीमन का जो प्रारूप सार्वजनिक किया है उसके अध्ययन के बाद में बहुत आश्चर्य भी है और जिस प्रकार से एक तरफा तानाशाही पूर्ण रवैया अख्तियार किया गया है उसमें हमें दुख भी है, शोक भी है। कभी इस प्रकार का इतिहास में नहीं हुआ कि जिसमें तमाम जो तो परिसीमन की परिभाषा है, परिसीमन के मान्य कानून नियम है उनको दरकिनार करके उनको देखा करके एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा प्रतीत होना कि चुनाव आयोग का एक कार्यालय, मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शायद उनका कार्यालय है उसने बना दिया और वहां पर दूसरी दलों को दूर रखा गया, उनके अनदेखी की गई, उनके विचारों को से के साथ में मेल नहीं किया गया और उस कार्यालय में बैठकर चुनाव आयोग ने इस पूरी परिसीमन की प्रक्रिया का प्रारूप बनाया है जो दिल्ली की जनता पर थोपना चाहता है। दिल्ली में हर तरह का, दिल्ली एक छोटा हिंदुस्तान है, यह हर समुदाय के, हर भाषा के, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और हमेशा से उसका सामंजस्य और उसका ताना बाना व्यवहार में देखने को मिलता है। लेकिन इस परिसीमन में जिस तरीके का पक्षपात
जिस तरीके का एक तरफा रवैया अख्तियार किया गया वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसकी विश्वसनीयता पर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगा। इस विषय में हमें कुछ कहना है, अध्यक्ष जी भी अपनी बात कहेंगे, दो तीन चार बातें मैं उसमें भी कहना चाहूंगा तकनीकी रूप से कि मात्र 272 वार्ड होते उनमें से 22 वार्ड काम कर रहे थे, 272 से 250 वार्ड कर लेते, 250 वार्ड कम करने के लिए 22 सीटें बनाने के लिए 22 सीटें कम करने के लिए हमारे हिसाब से 10 से 15 विधानसभा क्षेत्र जो थे उसमें फर्क डालना चाहिए, लेकिन 272 के 272 वार्ड में सब कुछ बदल दिया, उसकी बाउंड्रीज बदल दी, वार्डों की जनसंख्या बदल दी, वहां का सांस्कृतिक समीकरण बदल दिया और उसको हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया कि उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नजर नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा कार्य इस बात को लेकर है कब मात्र 22 वार्ड ही कम कर रहे थे, 272 से 250 कर रहा था, तो पूरी दिल्ली के 272 वार्ड का परिसीमन करने की क्या आवश्यकता थी, पहला पॉइंट हमारा ये। दूसरा हमारा बिंदु जो है जिस पर हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, इसके विस्तार से अध्यक्ष जी की बात करते हैं, वो ये है कि 30 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या उस वार्ड की जो है 80,000 से ज्यादा हो, जबकि हैरानी ये है उसके जो सटे हुए वार्ड है उससे जो मिलते हुए वार्ड है उनकी जनसंख्या को 40,000 से 60,000 के बीच में रखा हुआ है। अब सुनने में भी बड़ी अटपटी बात लगती है, बड़े आश्चर्य होगा, एक विधानसभा में अगर 3 वार्ड है तो एक वार्ड की जनसंख्या को 80,000 कर दिया गया, उससे ज्यादा कर दिया गया, 90,000 भी कर दिया गया, और जो उससे लगते हुए 2 वार्ड है उनकी जनसंख्या को 40,000 और 60,000 के बीच में रखा गया। ये बात गले से नहीं उतरती, इसलिए हम इसमें भी अपना ध्यान व्यक्त करते हैं। तीसरी बड़ी चीज ये है कि भाजपा को हमेशा से दलित और अल्पसंख्यक मतदाता जो है उसका समर्थन नहीं मिला, और हमेशा भाजपा के दिमाग में इन समुदायों के प्रति बदले की भावना रहती है, जब भी मौका मिलता है इन समुदायों के साथ में खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको बिखेरने का काम करते हैं, उनको कमजोर करने का काम। इस परिसीमन में भी यह बात साफ साफ नजर आती है, इसलिए चुन चुनकर ऐसे मतदाताओं की आबादी को टुकड़ों में बांटे, अगर एक वार्ड में 20,000 अल्पसंख्यक समुदाय के वोट थे तो उन 20,000 मतदाताओं को आसपास के 2-3 वार्डों में बांटकर उनकी संख्या को वार्ड के हिसाब से कम कर दिया, अल्पसंख्यक भी और दलित। इसलिए हम इसको बहुत ही दुखद बताते हैं और इसमें इतना इन्हीं बिंदुओं पर हमारे अध्यक्ष चर्चा करेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात। धन्यवाद हरिशंकर जी, सभी को नमस्कार। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज ये प्रेस वार्ता रखी है। मेरे साथ हरिशंकर जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया है, जयकिशन जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। साथियों, कल 15 तारीख थी और कल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे था, सभी जानते हैं, और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे किस लिए मनाया जाता है मैं समझता हूँ आप भली भांति जानते हैं। अफसोस ये होता है जिस मुल्क के लोकतंत्र को धारण के रूप में पूरी दुनिया जानती थी, यानी कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो लोहा पूरा विश्व मानता था, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है भारत का जो
डेमोक्रेसी के अंदर जो इंडेक्स है, जो ग्राफ है, आपको जानकर सुनकर हैरानगी होगी। मैंने आज ये रिपोर्ट में पढ़ा है, 2014 में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो अंतर्राष्ट्रीय सूची में लगभग 27वां नंबर हुआ करता था, वो धीरे धीरे 2014 से गिरते गिरते आज 2022 तक ये स्थिति हो गई है कि भारत का इस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी सूची में 46वां नंबर हो गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र धीरे धीरे ना केवल खत्म हो रहा है बल्कि उसको खत्म करने की निरंतर कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं। जान के हैरानगी होगी, हिंदुस्तान से साउथ अफ्रीका भी दो कदम आगे, दो पायदान आगे। आज ये देश, ये हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के मामले में साउथ अफ्रीका से दो पायदान पीछे, और आज जिस विषय पर आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी ने आपका ध्यान आकर्षण किया है, मुझे लगता है इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण होगा दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी को या चुनाव को, लोकतंत्र को आगे रख करके बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन अंदर खाते या इनके मन में या अपने आप को सत्ता तक काबिज पहुंच होने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए ये सत्तारूढ़ भाजपा किस तरह के हथकंडे अपनाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि कहीं है तो दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव को लेकर के परिसीमन का जो ड्राफ्ट आया है, ये इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता है। इलेक्शन आयोग की जिम्मेवारी बनती है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईमानदारी के साथ, समय के साथ जो बदलाव मतदाताओं में या जनसंख्या में होता है उसको बराबर किसी नियम कायदे के अनुसार उसको बराबर बांटते हुए ईमानदारी के साथ वो परिसीमन करे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, 3 सदस्य कमेटियों ने अपने नोटिस में और अपने बयानों में जो बातें कही, वो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, सुझाव में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब परिणाम देखते हैं तो उसके विपरीत परिणाम दिखते हैं, जिसका जिक्र आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी ने किया। नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम इक्वली, ये नोटिफिकेशन है, इसमें क्या परिसीमन को लेकर के कहा जाता है बकायदा कि हम समान रूप से सभी को न्याय संगत तरीके से 272 से 250 वार्ड जो करेंगे उसमें औसतन 65,000 पॉपुलेशन का आधार बनाया गया, नोटिफिकेशन में जिक्र करते हैं। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट देखते हैं, परिसीमन का ड्राफ्ट देखते हैं, तो स्थिति बहुत क्लियर हो जाती है। जो हरिशंकर जी ने कहा, मैं आपको कुछ एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से साजिशन एक दल को फायदा पहुंच रहा है। सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने का ये ड्राफ्ट है, मैं कहना चाहता हूं। ये निष्पक्षता के साथ, इक्वलिटी के साथ ये ड्राफ्ट नहीं है, ये उस दल को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राफ्ट है जो लगातार 15 साल से एमसीडी में काबिज था और उस दल ने अपने आप को बचाने के लिए चुनावों को टालने की साजिश रची। हम तब भी, कांग्रेस पार्टी तब भी चुनाव के लिए इलेक्शन आयोग से निवेदन कर रही थी, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह से सत्ताधारी दल ने अपनी हार टालने की कोशिश की, संख्या को घटाने की कोशिश की, ये दर्शाता है कि अपने उस मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन
के द्वारा उस मनसेबे को पूरा करने की कोशिश है। यहां जानना यह भी बहुत जरूरी है लगभग 1989 और 90 से अब तक पिछले 30 साल की यदि मैं बात करूं, क्योंकि मेरी सक्रिय राजनीति का समय यही है, मैंने लगभग 5 ऐसी कमेटियां देखी हैं जिन्होंने परिसीमन पे काम किया, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 5 कमेटियों के किसी एक सदस्य ने यह नहीं कहा कि हमें वार्डों की संख्या घटानी चाहिए। यह भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए वार्ड घटाए, वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। चुनाव टालने के लिए भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी उनका निरंतर साथ देती रही, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रही। तो पहला प्रश्न, इनकी नीयत में खोट जो मैंने बताया, लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय इस मुल्क का लोकतंत्र बार बार उस लोकतंत्र पे हमले किए जा रहे हैं, और जिसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी इसी नारे के साथ कि लोकतंत्र केवल खतरे में नहीं है बल्कि खत्म किया जा रहा है। जो व्यक्ति इस लोकतंत्र पे सवाल खड़ा किया करता था उसको देशद्रोही की उपाधि इस मुल्क के सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता उनको देने का काम करते हैं। लेकिन ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है जो मैंने आपके सामने रखा, और ये जुड़ा हुआ है परिसमन का मसला जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 10% के बदलाव की बात कही गई थी, यदि 65,000 पॉपुलेशन पे हम परिसीमन करेंगे तो 10% नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन यहां तथ्य बता रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर है। और जो बात हरिशंकर जी ने कही, दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी ये परिसीमन का ड्राफ्ट है, और दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी यदि कोई देश में इस मुल्क में संगठन है तो भाजपा संगठन है। इसीलिए आज इस ड्राफ्ट के अंदर मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, जानबूझ करके एक समुदाय कम्युनिटी उस वर्ग को बांटने का काम किया गया है, मतदाताओं को इस तरह से भागों में डिवाइड किया गया है जिससे कि वो अपनी राय या अपने मत का जो अधिकार है वो उस दल के खिलाफ ना कर पाए जिससे वो संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट ना होने का एक ही सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी व्यक्ति की नजरों में सरकार का खरा ना उतरना, और ये वर्ग वो पीड़ित वर्ग है जो लगातार भाजपा या सरमाएदारों की जो पार्टी है जो लगातार गरीब विरोधी निर्णय लेती रही है, दलित विरोधी निर्णय लेती रही है, अल्पसंख्यक विरोधी निर्णय लेती रही है, या इस मुल्क को बांटने की राजनीति करती रही है, उस वर्ग को इस परिसीमन में इस तरह से बांटा गया है कि वो अपनी राय एक साथ ना दे पाए। इसलिए हरिशंकर जी ने जिन दिल्ली का आपके साथ जिक्र किया है मैं वो आपसे भी शेयर कर दूं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्या कारण है। किस विधानसभा में कितने वार्ड होने चाहिए, किस हिसाब से होने चाहिए, वो नोटिफिकेशन का मैंने जिक्र किया। लेकिन नोटिफिकेशन में बात है, लेकिन जब परिणाम देखते हैं तो वहां अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। न्यूनतम 3 वार्ड रखने की शर्त रखी गई कि न्यूनतम 3 वार्ड रखेंगे एक असेंबली में, लेकिन जिस तरह से त्रिलोकपुरी, कौंडली, मंगोलपुरी, सीमापुरी या जयकिशन जी बैठे हैं, सुल्तानपुरी, मांजरा, ये ऐसे एरिए हैं जो दलित बाहुल्य कहिए या ये कहिए भाजपा विरोधी कह लीजिए, भाजपा की नीतियों से असंतुष्ट लोग कह लीजिए, या वो लोग जो पीड़ित वर्ग है जो भाजपा समझती है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा ही कैटेगरी कर रही है, ये भाजपा इस तरह की श्रेणी बना रही है कि जहां से हमेशा भाजपा को हार मिलती रही है, शायद उन क्षेत्र के अंदर वार्डों की संख्या कम कर दी जाती है।
क्यों कर दी जाती है भाई? ये बड़ा प्रश्न है। जबकि इन विधानसभाओं में दूसरी विधानसभाओं से कंपेयर करेंगे तो वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, मतदाता भी ज्यादा है, उसके बावजूद घटा दिया जाता है। नेचुरल बाउंड्री की बात करें जो दावा करते थे स्टेट इलेक्शन आयोग, वो नेचुरल बाउंड्री का भी उल्लंघन है। जैसे कौंडली का एक वार्ड, कौंडली विधानसभा का वार्ड उदाहरण मैं दे रहा हूं, चार वार्ड हुआ करते थे, कौंडली के एक वार्ड को समाप्त कर दिया गया। जिस वार्ड को समाप्त किया गया वो एक ऐसा अल्पसंख्यक और दलित बाहुल्य क्षेत्र कहिए, कॉलोनी कहिए, वार्ड कहिए, जो कि नहर और नाले पार था, अपने आप में एक पहचान थी एक वार्ड की, उस वार्ड को साजिशन खत्म करके तीन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। ये क्या दर्शाता है? यानी कि भाजपा को डर खौफ, और इसके विपरीत विश्वास नगर में स्टेट इलेक्शन आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन की हम बात करें तो विश्वास नगर में एक वार्ड कम होना चाहिए था, वहां पर रिपीट कर दिया जाता है चार वार्ड, और कौंडली में एक वार्ड कम कर दिया जाता है। चूंकि विश्वास नगर भाजपा के विधायक साहब की सीट है, विश्वास नगर को भाजपा अपना गढ़ मान रही है, क्या इसलिए वहां पर वार्ड नहीं घटाया? जबकि नियमानुसार वहां भी घटना चाहिए था। त्रिलोकपुरी कौंडली को क्या अपना विरोधी मानते हैं, इसलिए वहां वार्ड घटा दिया गया? इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता है। पटपड़गंज विधानसभा, जिसको मैंने भी रिप्रेजेंट किया है, जान के हैरानगी होगी, त्रिलोकपुरी और कौंडली से आप कंपेयर करें तो पटपड़गंज के अंदर भी दोनों से कम पॉपुलेशन है, लगभग 220,000 पॉपुलेशन है, कौंडली में लगभग 232,000 पॉपुलेशन है। इसका जवाब ना भाजपा देगी ना स्टेट इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन के अनुसार यदि वार्ड निर्धारित होने चाहिए कानूनन, तो वहां पे भी एक वार्ड कम हो सकता था, लेकिन भाजपा उसको भी अपना शायद गढ़ और अपना क्षेत्र मानती है, शायद इसलिए एक वार्ड वहां नहीं घटाया। सो साथियों, ये कुछ उदाहरण और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जहां पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ कानूनन, और अपनी तानाशाही के साथ अपने आप को जिताने, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भाजपा जिस तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग करके एक ऐसे डिपार्टमेंट का जिसको शायद निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही और जिसका हम विरोध करते हैं। मैं कुछ विधानसभा आपके सामने पढ़ रहा हूं, हालांकि इस डिमिलिटेशन के अनुसार लगभग 11 विधानसभाओं में इसका अंतर होना चाहिए था, 22 वार्ड कम किए गए, लेकिन इन 22 में आप देखेंगे जो कम हुए उसमें से अधिकतर वार्ड दलित हैं जिनको खत्म किया गया। विधानसभा का नाम है बुराड़ी। स्टेट इलेक्शन आयोग के अनुसार यदि हम बात करें तो बुराड़ी में 6 वार्ड होने चाहिए थे, 6 यदि इक्वली आप डिवाइड करें, लेकिन बनाए कितने गए? 5। ये पॉपुलेशन के मैं आधार पे बोल रहा हूं, जो आयोग बोल रहा है। मंगोलपुरी एससी सीट है, कितने होने चाहिए वहां पे? 4, वहां एक घटा दिया जाता है, मंगोलपुरी में वहां 3 वार्ड कर दिए जाते हैं। चांदनी चौक कितने होने चाहिए? 2, कितने कर दिए वहां पे? 3, यदि पॉपुलेशन और हम मतदाताओं की बात करें। ऐसे ही राजेंद्र नगर में 2 की जगह 3 कर दिए, मालवीय नगर में 2 की जगह 3 कर दिए, पॉपुलेशन में आप डिवाइड करें तो। त्रिलोकपुरी की मैं बात कर रहा हूं, 4 वार्ड थे पहले भी, 4 होने चाहिए, 1 घटा दिया, 3 कर दिए। कौंडली में 4 थे, 4 होने चाहिए, 1 घटा दिया, 3 कर दिए। पटपड़गंज में नियम अनुसार 3 बनते हैं, 4 कर दिए। विश्वास नगर में नियम अनुसार 3 बनते हैं परिसीमन के अनुसार, लेकिन वहां 4 कर दिए। सीमापुरी इसी तरह एससी हमारी सीट है, 4 वार्ड होने चाहिए, वहां पे भी एक वार्ड कम कर दिया। साथियों, स्थिति बहुत स्पष्ट है, ये ड्राफ्ट, ये परिसीमन, ये स्टेट इलेक्शन का ना हो करके ये भाजपा का ये ड्राफ्ट है, परिसीमन है। भाजपा पूरी तरह से विचलित है।
क्या भाजपा सत्ता में आने के लिए इसी तरह से लोकतंत्र को तार तार करने के प्रयास करते रहेंगे? और जिसका नजारा आज हम देख चुके हैं कि इंटरनेशनल डे हम डेमोक्रेसी का मना रहे हैं और इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए तमाम एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है, इस मुल्क के अंदर डराया जा रहा है। अब तक तो डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई एजेंसियों का प्रयोग हो रहा था, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एक ऐसी बॉडी है जो बगैर किसी दबाव के काम करती है, आज उनको भी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस पूरे परिसीमन ड्राफ्ट के ऊपर जो सुझाव मांगने का एक ढोंग रचा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सुझाव तो वहां दिए जाते हैं जिसमें न्याय संगत कुछ तर्क संगत कोई निर्णय लिए हो, लेकिन यहां तो कोई तर्क ही नहीं है, तर्क कुछ देते हैं निर्णय कुछ और करते हैं। पूरे का पूरा ड्राफ्ट इस तरह से बना दिया गया है, कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की गई है, लोगों के अंदर एक घृणाहीन घृणा पैदा करने की कोशिश की गई है, दलित समाज को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है कि इन वर्ग का रिजर्व सीटों के अलावा और कहीं सीट पे कहीं ये निर्णय ना दे पाए, यही कारण है इन सीटों को कम करने की कोशिश कराई जा रही है। इसीलिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस भाजपा और स्टेट इलेक्शन के इस परिसीमन ड्राफ्ट का पूरी तरह से विरोध करती है और इसके लिए पूरा एक डेलीगेशन जाकर के दिल्ली के चीफ स्टेट कमिश्नर के साथ हम इस बात को रखने वाले हैं कि ये न्याय संगत नहीं है, इसको खारिज कर, इस ड्राफ्ट को इस परिसीमन को खारिज कर न्याय संगत परिसीमन करने का काम होना चाहिए। आप पहले ही विलंब कर चुके हैं, लोकतंत्र जब ही मजबूत होगा जब निष्पक्षता के साथ निर्णय लिए जाएंगे काम किया जाएगा, इस तरह से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसलिए यदि इसमें समय भी लगे तो लगाए, लेकिन स्टेट कमीशन का दायित्व तो बनता है कि कोई अन्याय ना हो, तो यही हमारी मांग है। पूरे दिल्ली से सुझाव आ रहे हैं, हमारे संगठन के लोग भी सुझाव दे रहे हैं, आम आरडब्ल्यूएच भी इसका विरोध कर रही है। इसीलिए इस पूरे परिसीमन को खारिज करते हुए हमारी मांग रहेगी कि इसको पूरी तरह से तर्क संगत तरीके से उन्हें परिसीमन पे काम होना चाहिए, जिसका विरोध दर्ज करने के लिए हम स्टेट इलेक्शन कमीशन जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।